कैसी मार्केट देखने को मिली और बहुत अच्छा दिन था दो आज हमने आपको कोई जैकपॉट ट्रेड नहीं दिया जीरो हीरो कॉल नहीं दी पर वो बहुत ही सही डिसीजन था आपको मैंने ऑलरेडी ये अपडेट कर दिया था कि मार्केट में फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मैक्सिमम पेन है उसका सिंपली क्या मतलब होता है कि अगर वहां पे एक्सपायर होती है तो मैक्सिमम जो बायर्स होंगे उनको लॉस होगा क्योंकि मार्केट में उनमें दोनों साइड ही उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी उसी के पास 14600 के पास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली वन आर पहले ही मैंने ये आपको डिस्क्लेमर दे दिया था और कोई मूव्स थे नहीं कि आप कैच कर सके ज़ीरो हीरो में आज आपका गारंटीड लॉस ही होता अगर आप किस साइड भी लगते हैं हाँ कुछ लोग बाद में ज़रूर कैल्कुलेशन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये ट्वेंटी का ये फोर्टी हो गया था लेकिन प्रैक्टिकली समझो यार मार्केट में मैं अगर उस प्राइस को देख के आपको ट्रेड भी देता हूं तो जब तक आपको ट्रेड मिलेगा आप रीड करके अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे वहां पे ऐड करके बाय करने जाएंगे तो वो 20 से 26 27 ऑलरेडी हो चुका होगा और उसके बाद ऐसा भी नहीं हो सकता आप एग्जैक्टली exactly उसे 40 में एग्जिट कर पाएंगे क्योंकि जनरली हम जीरो हिरो में क्या देखते हैं वन इज टू वन तो मिनिमम टारगेट रहता है वन इज टू टू वन इज टू थ्री हमें नॉर्मली अचीव करते हैं हम तो हम फोर्टी पे कभी उसे बुक नहीं कर पाते और डे एंड में हमने क्या देखा सारी वैल्यू जीरो हुई तो आज जीरो कॉल्स के लिए बिल्कुल दिन नहीं था कोई मार्केट में मूव्स ही नहीं थे लेटर हाफ में जब प्रीमियम डाउन थे मॉर्निंग में अच्छे मूव्स हमें जरूर देखने को मिले लेटर हाफ में तो कोई ट्रेड्स नहीं थे दो निफ्टी में स्लोली मूव आ रहे थे बैंक निफ्टी भी स्लोली डाउनफॉल हो रहा था लेकिन उसमें ट्रेड्स नहीं बनते आपके तो समझो मार्केट नहीं है ट्रेडिंग के लिए तो आपको ज़बरदस्ती ट्रेड्स नहीं लेने हैं मार्केट में और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा दिन था इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग कीजिए आपको बहुत सेफ़ प्रॉफिट होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा और उसमें सब कुछ आपका ऑलरेडी डिफाइंड है रिस्क डिफाइंड है प्रॉफिट डिफाइंड है आपकी प्रोबेबिलिटी वैसे इंक्रीज हो जाती है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड रहे या फिर लिमिटेड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाए या फिर आपकी साइड जाए तो आपको प्रॉफिट ही होगा और लॉस कब होगा जब कोई शार्प आपके अगेंस्ट मूव आता है तब आपको लॉस होगा और वो लॉस भी डिफाइंड होता है बहुत ही सेफ एंड सिक्योर क्विक मनी मत देखो यार सेफली पैसा बनाने की कोशिश करो इशू क्या आता है कि आप डेली देखते हो कि आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ आज मैं कितना प्रॉफिट बना लूँ कल के बारे में सोचते ही नहीं हो ऐसा लगता है कि आज ही मार्केट लास्ट है आज ही मुझे सारा प्रॉफिट बना के निकलना है अगर आप ऐसे हो कि आपको आज के बाद कभी ट्रेड नहीं करना तो कितनी भी रिस्क लेनी लो यार क्योंकि आज आपका लास्ट दिन है जितना प्रॉफिट आज बनाओगे उसके बाद कभी ट्रेड ही नहीं करना है तो वो बिल्कुल समझ आता है लॉजिक लेकिन अब अगर आपको डेली ट्रेड करना है मार्केट यहीं पे है तो एक दिन अगर उतना प्रॉफिट रिस्क लेके बना भी लोगे तो अगले दिन फिर उतनी रिस्क लोगे तो कब तक वहां रिस्क से बसते रहोगे और फिर आपको अल्टीमेटली लॉस ही होगा अपने गोल को डेली की जगह मंथली टाइम फ्रेम में डिवाइड करो कि मेरा मंथली कितना टारगेट है कितना गोल है कैपिटल पे कितना बनाना है क्वार्टरली कितना है हाफ ईयरली कितना है तो आपको रियलिस्टिक समझ आएगा कि हाँ डेली मेरा इतना भी प्रॉफिट बन जाए तो मैं इजिली अपने टारगेट तक पहुंच सकता हूँ पर आप सोचते क्यों कि मेरा अगर लॉस फोर्टी थाउजेंड हुआ है तो वन डे में फोर्टी थाउजेंड मुझे कवर करना है आप ये नहीं सोच रहे कि मैं अगर उसे मंथ में डिवाइड करूँ तो मुझे टू थ्री थाउजेंड इतना ही बनाना है डेली और वो कैसे सेफली बन सकता है उन चीज़ों सोच ही नहीं प्रैक्टिकल माइंड वर्क ही नहीं कर रहा है तो इन चीजों का ध्यान रखो मार्केट में हर मार्केट ट्रेडिंग नहीं होती ऑप्शन बाइंग के लिए तो स्पेशली तो एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं मार्केट कैसी रही वो देखते हैं अब निफ्टी मॉर्निंग में देखिए फ्लैट ही ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट फिर एक बार हमें अपसाइड गई मार्केट ये देखिए लेवल को एग्जैक्टली टेस्ट किया मार्केट ने फोर्टीन फाइव सिक्सटी रजिस्टेंस पॉइंट था एग्जैक्ट वहाँ से रिवर्सल आया लोअर साइड आ गए परफेक्टली मॉर्निंग में ही ट्रेड थे जो ट्रेड थे आप देखिए सडन फॉल आया फॉल लेवल देखिए लेवल यहाँ पे ये पूरा नो ट्रेड जोन था ये पूरा सपोर्ट जोन था जो हमारा और यहाँ पे ये देखिए इस कैंडल से लेवल ब्रेक हुआ है लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ही बता दिया कि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है डाउन साइड का तो क्लियर हो गया अप साइड के लिए फिर आए फिर अपर साइड हम देखे क्लियरली अपने यहाँ से 500 से 560 60 पॉइंट का टारगेट यहीं पे ये मॉर्निंग में बस ट्रेड थे आप ले सकते थे लेवल्स के अकॉर्डिंग उसके अलावा ट्रेड्स थे ही नहीं मार्केट में यहाँ पे भी अपडेट किया था मैंने कि मार्केट में ट्रेड्स मत बनाओ ठीक है क्योंकि मार्केट में उस टाइम थे ही नहीं लो लोअर साइड थे ना अपर साइड थे अपर साइड लोगों को लग रहा था हाँ इतनी अच्छी रैली आई है तो जैसे नॉर्मली हमें डेली देखने को मिल रहा है एक कंटिन्यूस रैली आती है वो देखने को मिलेगी तो वो भी मैंने अपडेट दिया था क्योंकि फोर्टीन सिक्स हंड्रेड पर दिख रहा था यार मार्केट 14600 पे रुकेगा ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ पे मना भी किया था लोअर साइड हमने परफेक्टली देखी मॉर्निंग में इस लेवल ने एज अ रेजिस्टेंस का वर्क किया उसके बाद जब इसके अबव आ गए ये परफेक्टली देखिए एज अ सपोर्ट का वर्क कर रहा है परफेक्टली देखिए लेकिन फिर भी सपोर्ट भी है तो भी मेरे को ट्रेड नहीं बन रहा है मैं यहाँ पे कोई ट्रेड बना लेता 600 के लिए और 600 वाली कॉल अगर यहाँ पे अपसाइड भी जा रही है तो भी मुझे प्रॉफिट नहीं होता और होता तो बहुत मिनिमम टू थ्री पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे बनता है क्योंकि इतना टाइम प्रीमियम लॉस ऑलरेडी हो चुका होता मुझे ये माइनर से मूव्स थे जिसमें कोई ट्रेड्स बनाने का कोई लॉजिक नहीं था और दोनों लेवल्स के मिड में ही मार्केट घूमती रही फोर्टीन सिक्स मिनट के आसपास एक्सपेक्टेड थी मार्केट की एक्सपायरी होनी चाहिए टू थर्टी पे ये मैं आपको अपडेट ऑलरेडी दे चुका था और वहीं पर ऑलमोस्ट हमें एक्सपायरी देखने को भी मिली ठीक है तो ये इंट्राडे मूव्स थे जिसमें मॉर्निंग के अलावा कोई हमारे पास यहाँ ट्रेड नहीं थे बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट थी ट्रेड हो चुके हैं आगे क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक का डाटा भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो हमें ओवरऑल पोजीशन सेम ही लग रही है क्योंकि कोई क्लियर कट इंडिकेशन वहां भी नहीं मिल रहा था कि मार्केट अपसाइड जाएगी या डाउनसाइड साइड यहाँ भी दोनों लेवल्स के मिड में हम क्लोज हो गए हैं तो कोई क्लियर कट डायरेक्शन यहाँ भी नहीं दिख रही है अब आगे क्या हो सकता है वेट करना है क्लियरली लेवल्स पे जैसे मार्केट वर्क करती है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स बनाने हैं ये हमारा सपोर्ट लेवल है देखिए अब कितने अच्छे से लेवल अपना पूरा वर्क कर रहे हैं ये हमारा सपोर्ट लेवल्स है फोर्टीन फाइव सिक्सटी फर्स्ट सपोर्ट होगा लोअर साइड ये हमारा सपोर्ट जोन है 14485 फोर एट्टी फाइव से 14500 फाइव हंड्रेड पूरा हमारा सपोर्ट जोन है और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देते हैं लोअर साइड तो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा फोर्टीन थाउजेंड फोर थर्टी तो ये तीन हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी में ठीक है लेवल्स को ही फॉलो करना है मार्क कर लीजिए और इनके अकॉर्डिंग ट्रेड्स बनाने हैं अपर साइड रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है फोर्टीन सिक्स थर्टी फर्स्ट हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस है आज हमने टेस्ट नहीं किया क्योंकि फोर्टीन सिक्स हंड्रेड पे ही एक डीसेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही थी फोर्टीन सिक्स थर्टी अब हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और इसे ब्रेक करते हैं तो एक काफ़ी अच्छा लेवल है फोर्टीन सेवन हंड्रेड जो मैंने पहले भी बताया था कि अपर साइड एक वो काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस होगी अगर हम फोर्टीन सिक्स थर्टी को ब्रेक करते हैं तो तो अपर साइड ये हमारी दो रेजिस्टेंस लेवल है लोअर साइड भी मैंने आपको सपोर्ट ऑलरेडी बता दिए हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड आपको मिल जाते हैं अच्छे डिसेंट ट्रेड्स ठीक है लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो आपको अच्छे डिसेंट ट्रेड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे ठीक है बहुत हेल्प करते हैं मार्केट में कि आपको शॉर्ट करना है यहाँ पे इतना सडन फॉल आया था मॉर्निंग में आपको बिल्कुल लग सकता था कि यहाँ से और मार्केट फॉल होगा और फॉल होगा लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कैंडल से लेवल में दोबारा एंट्री हुई तो आपको समझ जाना था कि हाँ भाई मार्केट अभी नहीं ब्रेक हो रही ब्रेक होने का वेट करना है बस हमें तो लेवल का ब्रेक होती देखिए दोबारा लेवल पे सपोर्ट लिया और एक क्लियर कट रैली आई निफ्टी का एनालिसिस हो गया आज सिर्फ चार्ट्स में एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन में ज्यादा कोई डाटा नहीं बिल्डअप पुट दोनों साइड ही ओवरऑल ओआई भी अगर हम देखेंगे सारी पोजिशन का कंबाइंड भी तो ऑलमोस्ट सेम है बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ क्या यहाँ हमारे पास ट्रेड्स थे यहाँ भी बिल्कुल ट्रेड्स नहीं थे ना यार बाइंग सेलिंग के देखो यहां देखो मॉर्निंग में एक शडन अप मूव तो आया लेकिन वो बहुत जल्दी सेल ऑफ हो गया ठीक है यहाँ पे ये यह ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कल का जहाँ हाई था ऑलमोस्ट ये कैंडल वहां से रिवर्सल ले लेती है और फिर हम देखिए कितना टाइम तो हमारे 50 पॉइंट के नो ट्रेड जोन में ही घूमते रहे आप देखिए कितना ज़्यादा टाइम सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में सिर्फ 50 पॉइंट और उसी में हम घूमे जा रहे हैं ना अपसाइड दिख रही थी ना डाउन दिख रही थी मार्केट में कोई ट्रेड्स बैंक निफ्टी में भी नहीं थे देखो कहाँ बन रहे ज़ीरो हीरो कॉल तो कहीं बनेगी ही नहीं ना मार्केट में कहीं मूव्स होंगे तब जीरो हीरो कॉल बनेगी ना और ये एक कैंडल आपको दिख रही है बस फॉल की और इसमें जब तक अगर आप कैच भी करते ना तो तब तक आपका 50 परसेंट तो आप वैसे ही लूज कर चुके होते 50 परसेंट अबव बाय करते हैं फिफ्टी परसेंट बिलो सेल कर पाते तो आपको प्रॉफिट यहाँ भी नहीं मिल पाता तो देखो यहाँ पे भी हम नो ट्रेड जोन में घूमते रहे यहाँ भी नैरो रेंज यहाँ नो ट्रेड जोन में घूमते रहे और ये फिर लोअर साइड हम एंड हो गए इंट्राडे बैंक निफ्टी में कोई मेजर मूवस थे ही नहीं बहुत नैरो रेंज में हमने ट्रेड किया है ऑप्शन सेलिंग में तो आप कहीं भी ऑप्शन सेलिंग कर लेते आउट ऑफ द मनी थोड़ी सी भी आउट ऑफ द मनी तो आपको एक क्लियर कट प्रॉफिट था चाहे आप थर्टी टू सेवन हंड्रेड सेल कर लेते या थर्टी टू फाइव हंड्रेड को सेल कर लेते हैजिंग के साथ तो आपको क्लियर कट बहुत सिंपल प्रॉफिट बनता अभी भी अगर आपको कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो वन मंथ ट्राई करके देखो ना यार अगर आपको यही चीज़ अच्छी लगती है तो वापस इसमें आ जाना एक महीने बाद एक मंथ ट्राई तो करो आप ठीक है तो ये हमने ओवरऑल मूव्स देखे बैंक निफ्टी में किन आगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है देखिए अभी भी हम बार बार कोशिश तो कर रहे हैं कि मार्केट को 32 जो हमारा लाइफ टाइम हाई था उसके अब हम मार्केट को सस्टेन कर पाए लेकिन मॉर्निंग के मूव के बाद जैसे कल भी मॉर्निंग में मूव आया था उसके बाद एक फॉल आ गया आज भी सेम हुआ मॉर्निंग के मूव के बाद फर्स्ट टेन मिनट्स में ही हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला एंड जनरली आपको एडवाइजेबल होता है कि फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स में कोई ट्रेड मत बनाए मार्केट में मार्केट को सेटल होने दें फर्स्ट देफ्टीन मिनट उसके बाद सोचे कि क्या डायरेक्शन दिख रही है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स बनाए ठीक है जनरली आपको मार्केट को फर्स्ट फिफ्टी मिनट सेटल होने देना चाहिए चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो आगे के लिए क्या है जब तक इसे ब्रेक नहीं करे क्लियर कट ब्रेक आएगा तो एक अच्छा अपमूव आएगा ठीक है लेकिन क्लियर कट ब्रेक आने दो मार्केट में मार्केट ओपन हाई हो रही है पर फिर वहाँ से लोअर आके और लोअर साइड में ही एंड हो जाती है आज भी वैसा ही देखने को मिला अभी भी हम ऑलमोस्ट नो ट्रेड जोन में ही एक्सपायर हुए हैं जस्ट बिलो हमारी क्लोजिंग आई है तो ये लेवल क्लियर कट अभी तक भी ब्रेक नहीं हुआ है ठीक है तो आपको अभी भी वेट करना है कि क्लियर कट ब्रेक होगा फिर आपको यहाँ पे ट्रेड्स लेने हैं उसके बाद थर्टी टू एट ट्वेंटी नेक्स्ट लेवल है अगर हम लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तब ठीक है अभी तो मॉर्निंग के मूव्स के अलावा हमें कोई अपसाइड मूव देखने को मिलते ही नहीं है बहुत ही नैरो रेंज देखने को मिलती है हमें मार्केट में तो ये हमें रेजिस्टेंस पता लग गई सपोर्ट का आ रहा है थर्टी टू थ्री फिफ्टी पे हमें सपोर्ट मिल रहा है मार्केट में आज हमने ओवर इतनी नैरो रेंज थी तो लोअर साइड आई ही नहीं मार्केट ना अपसाइड गई ना लोअर साइड आई बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करती रही लेकिन आगे के लिए दोनों हमारे थर्टी टू फाइव फिफ्टी से सिक्स हंड्रेड ये हमारा जोन है और अगर ये क्लियर कट ब्रेक होता है लाइफ टाइम हाई को दोबारा टेस्ट करके वहां से अब जाते हैं तो थर्टी टू एट ट्वेंटी पे नेक्स्ट हमें रजिस्टेंस देखने को मिलेगी फ्रेंड्स ये आज का और था इंट्राडे रेंज बाउंड मार्केट थी तो आपने अगर आज ट्रेड ना भी हो तो खुश रहिए क्योंकि ये आपका आज बहुत अच्छा डिसीजन था तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच